नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। चीन पर अमेरिका ने कसा शिकंजा। चीन पर अमेरिकी की डिजिटल स्ट्राइक। डोनाल्ड ट्रंप ने बैन की टिकटॉक। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की कंपनी टिकटॉक के अमेरिका में बैन करने का फैसला किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के साथ 24 घंटे में अमेरिका में टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप बोले, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के साथ टिकटॉक बैन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना के बाद से चीन से काफी नाराज है। कई बार मीडिया से रूबरू होते हुए भी डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर निशाना साधा है और वायरस फैलाने के लिए सीधा उसी को जिम्मेदार ठहराया है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक को बैन करने का फैसला कर लिया है। ट्रंप ने कहा कि एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के साथ 24 घंटों में अमेरिका में टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इससे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में टिकटॉक बैन करने का फैसला कर लिया था। उन्होंने बताया था कि अमेरिका में भी टिकटॉक पर बैन लगाया जा सकता है। ट्रंप ने यह भी कहा था, हमारा प्रशासन भी टिकटॉक पर एक्शन लेने के लिए इसका मूल्यांकन कर रहा है। एक प्रचलित चीनी वीडियो ऐप अब राष्ट्रीय सुरक्षा और सेंसरशिप के मुद्दे का एक स्रोत बन गई है। ट्रंप का बयान उन रिपोर्टर्स के बाद आया जिसमें कहा गया था ब्राइट डांस टिकटॉक को बेच सकता है और कंपनी माइक्रोसॉफ्ट से इस बारे में बात भी कर रही है। ट्रंप ने रिपोर्टर्स से बात करते हुए ये भी कहा है कि हम टिकटॉक को देख रहे हैं, हम इसे बैन भी कर सकते हैं, हम कुछ और भी कर सकते हैं, हमारे पास कई दूसरे विकल्प भी है, बहुत सारी चीजें हो रही है, इसलिए हम देखेंगे कि क्या हो सकता है।